एक जंगल में नर गिद्धा रावण और मादा गिद्धा रानी और मैना चिड़िया रहते थे। एक दिन चिड़िया उसके बच्चों से, बच्चों लगता है अभी बारिश आने वाली है, मैं जाके हमारे लिए खाने को आहार लाऊंगी, आप घर पर संभाल के रहना, किसी भी हालत में घर से बाहर मत जाओ। माँ की बातें सुनकर बड़ी बच्ची ने ऐसा कहा, ठीक है माँ, हम बाहर नहीं आएंगे। अभी तो तुम यही बोलोगे, पर मेरे जाने के बाद तुम बाहर जाओगे, मुझे तुम्हारी हरकतें पता है बच्चों। नहीं माँ, बाहर बहुत हवा आ रही है, थोड़ी देर बाद वो ज्यादा भी होगा, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे माँ, अच्छे बच्चों की तरह घर में ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, संभाल के रहो, मैं जाके आहार लाऊंगी, अगर बारिश आया तो हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर मैना चिड़िया आहार लाने घर से बाहर निकलती है। चिड़िया के बच्चे माँ बाहर जाने के बाद वो भी बाहर जाने को सोचते हैं। थोड़ी देर बाद एकदम बारिश होना शुरू होता है, फिर भी चिड़िया आहार लेके बच्चों के पास जाने लगती है। थोड़ी देर बाद पानी का बारिश पत्थरों की बारिश में बदल जाता है, फिर भी चिड़िया ना रुकी और उसके बच्चों के पास जाने लगती है। तब उस पत्थरों की बारिश में से एक पत्थर उसके सर पर लग के वहीं की वहीं नीचे गिरकर मर जाती है। वो दिन पूरा बच्चे उसके घर में माँ की राह देख रहे थे। अगला दिन बारिश कम होके सूर्योदय होने लगता है। उधर से जाती हुई रानी गिद्धा उन बच्चों को देखती है। ये क्या, इतनी सुबह सुबह उसकी माँ बाहर गई? वैसे तो मेरे पति बहुत भूखा है, मेरी सहेली आने तक मैं इधर ही रहूंगी। ऐसा सोचकर रानी गिद्धा उस बच्चों के पास जाती है। रानी को देख के बच्चे रोते हुए पास आते हैं। रानी आंटी, मेरी माँ आहार लाने कल गई, अभी तक नहीं आई, आंटी क्या आपने मेरी माँ को देखा? ऐसा क्या, ठीक है आप इधर ही रहो, मैं जाके तुम्हारी माँ को देखती हूँ। ऐसा कहकर रानी गिद्धा पूरा जंगल ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद एक जगह पर पड़ी हुई चिड़िया दिखाई देती है। तब वहाँ जाके, चिड़िया रानी क्या हुआ रे, उठो ना, तेरे बच्चे तेरी राह देख रहे हैं। कितने बार बुलाने पर भी चिड़िया नहीं उठती। इससे रानी गिद्धा चिड़िया मर गई समझ के उसका दहन संस्कार करके वापस जाते जाते चिड़िया के बच्चों को आहार ले जाती है। आंटी क्या आपको मेरी माँ दिखाई नहीं दी? देखो बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक नया घोंसला बना रही है, उसने ये आहार मुझे दे के तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए आज से तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। उस दिन से रानी गिद्धा उन बच्चों की माँ बनकर बहुत प्यार से देखभाल करती है।